तो गाइस दिन रात फ्री फायर के लिए मजदूरी करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए गाइस ग्रैंड मास्टर, मतलब गेम खेल के तो गाइस ग्रैंड मास्टर पहुंच गए। आप देख सकते हैं यार हम कितने प्रो हैं। तो गाइस कैसे पहुंचे उसके लिए वेट करो, उसके पहले मैं करने वाला रोहित भाई के साथ एक स्कैम, बहुत गंदा वाला स्कैम, आप लोग पहले वो देखो। गाइस आईडी में पड़े हैं 5000 डायमंड आप देख सकते हो, और आ चुका है नया इंक्यूबेटर। रोहित भाई को गाइस ये वाला बंडल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मेरे को भी पसंद नहीं यार, बट मेरे को डायमंड तो वेस्ट करना है ना, तो रुक जाओ यार अभी तो बहुत कुछ देखने वाले हो। तो गाइस मैं करने वाला हूँ स्पिन और करने वाला हूँ सारे के सारे डायमंड वेस्ट। बट गाइस जैसे कि देख रहे हो मेरा लक बहुत ही खराब है, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब मेरा लक का रेस्ट इन पीस हो रहा है इधर। तो यार कोई बात नहीं, वेट करो यार, हम लोग फिर भी स्पिन करेंगे। मेरा मेन मोटिव है डायमंड वेस्ट करना, में डायमंड अच्छे नहीं लग रहा है अभी तो, मतलब बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो गाइस एक काम करते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे गाइस अपने डीजे एडम को। गाइस आप लोगों को पता है ना डीजे एडम कौन है? गाइस फ्री फायर का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है यार, मतलब उसके बारे में कैसे आप लोगों को नहीं पता होगा, सबको पता होगा। गाइस क्या ही प्यारा दिख रहा है अपने एडम चचा भाई साहब, काला एडम और ऊपर से पिंक वाला ये बंडल, मतलब क्या ही बोलूं मेरे को नहीं बोलना गाइस कैसा दिख रहा है, आप समझ सकते हो। और गाइस ओ भाई गाइस डीजे एडम का ये होता है गाइस डीजे एडम का रियल पावर, आपने खुद देख लिया ना गाइस, ये होता है डीजे एडम का रियल पावर। देख रहे हो एडम लेते गाइस एक ब्लूप्रिंट और एक इवोल्यूशन स्टोन, मतलब एक साथ यार, मतलब क्या ही पावर है गाइस डीजे एडम भाई, डीजे एडम चाचा जिंदाबाद। तो गाइस फिर से मेरा लक खराब जा रहा है, मेरे को लग रहा है फिर से कुछ नहीं मिलने वाला। तो गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चलो यार एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत गोल्ड रॉयल में स्पिन कर लेते हैं, अब फिर जाके स्पिन करेंगे। कोई कभी कभी डीजे एडम बाबा भी मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए कभी कभी काम मतलब साथ नहीं थे, समझा करो यार। कोई बात नहीं गाइस चलो इवोल्यूशन स्टोन देते हैं। बट गाइस इवोल्यूशन स्टोन अपने पास अंदर है, इवोल्यूशन स्टोन नहीं चाहिए डीजे एडम भैया, मेरे को वो चाहिए, वो मतलब वो देख सकते हो ना, वो जो ऊपर चमक रहा है, हाँ वही वही। तो जल्दी जल्दी से गाइज एक काम करते हैं, वापस से स्पिन करते हैं, मतलब मेरे को पता है डीजे एडम भैया हमारा साथ देंगे। चलो गाइज मेरे को गाइज ये वाला बंडल बस जूता के लिए पसंद है, बाकी कुछ उतना पसंद नहीं है। और गाइज मिलने वाला है मेरे को पता है गाइज, अब डीजे एडम भैया हमारा साथ पक्का देगा गाइज। चलो 3 2 1 और ये मिला, ये मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, अरे यार ओ भाई मिल गया गाइज, मतलब क्या ही लग गया, देख रहे हो ऐसे ही ऐसे ही, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलो गाइज बट मेरे को डायमंड जीरो करने थे यार, थोड़ा जल्दी लेट मिलता तो अच्छा होता, मतलब कोई बात नहीं, रोहित भाई सुन ना ले, बाकी सब ठीक है गाइज। चलो वापस स्पिन मारता है, तो चलो गाइज देखते कि हम लोग वापस से यार येल्लो स्टोन, यार ये मेरे को नहीं चाहिए, बहुत है अंदर अपने पास, कोई लेके जाओ हमसे ये भाई। चलो 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 चलो, और एक बस ब्लू प्रिंट चाहिए, फिर ये एक्सचेंज करेंगे गाइज, और एक्सचेंज करने के बाद गाइज एक मस्त वाला कॉम्बो बनाएंगे और वो पहन के हम लोग खेलने वाले हैं। तो गाइज चलो, और यहाँ पे ओ भाई एकदम बढ़िया, मेरे को लगा था गाइज डायमंड्स खत्म हो जाएगा, बट ये नहीं मिलने वाला, बट मिल गया यार, बहुत ही बढ़िया। गाइज डीजे एडम बाबा का पावर है ये, मतलब देख रहे हो ना गाइज, ये होता है डीजे एडम का पावर। तो गाइज चलो फटाफट से बंडल का एक्सचेंज करते हैं गाइज, और उसके बाद हम लोग करेंगे एक मतलब मस्त वाला कॉम्बो बनाएंगे। अब चलो गाइज आलोक भी ले लिया मैंने, अब चलो चलते हैं हम लोग बंडल को एक्सचेंज करने। और इधर 3 2 1 मतलब मैं बंडल्स का बात कर रहा था यार, चलो आप करते हैं एक्सचेंज इसको। चलो मैंने एक्सचेंज कर लिया गाइस, और एकदम क्या ही प्यारा गाइस, पुराना बंडल आप सबको पता बहुत पहले इंक्यूबेटर में आया था, बट अभी वापस रिटर्न आ गया, बट ठीक है यार, तो हम लोगों को निकालना तो था, मतलब रिटर्न नहीं देना चाहिए था, बट ठीक है रिटर्न दे दिया तो हम लोगों को निकालना तो था, बिल्कुल निकाल दिया। तो गाइस चलो एक मस्त वाला प्यारा सा कॉम्बो बनाते हैं गाइस अपने आलोक चचा के साथ, और फिर गाइस हम लोग खेलने वाले हैं, रैंक कुछ करेंगे यार, और क्या खेलेंगे, अभी तो रैंक ही खेल रहे हैं ना। तो गाइस चलो ये वाले पैंट के साथ तो अच्छा नहीं लग रहा गाइस, आपको मैं एक प्यारा सा कॉम्बो दिखाता हूँ गाइस, इस मतलब जो ये जूता है ना और ये गोल्डन शर्ट गाइस, बहुत प्यारा कॉम्बो लगता है मेरे को तो क्या ही तगड़ा लगता है गाइस ये वाला। तो गाइस फटाफट से मैं ढूंढ लेता हूँ अपना पैंट, ये रहा अपना ब्लैक पैंट गाइस, जैस पैंट, ये तो सबके पास होगा गाइस, क्योंकि ये तो आपको पता है स्टोर मिलता है, और क्या ही बढ़िया कॉम्बो लग रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हो खुद ही, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बो। तो गाइस चलो अभी बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से गाइस मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ जब आपने अपने एनिमीज को ट्रोल कर रहा था, और उसके बाद गाइस कुछ अच्छे क्लिप्स भी दिखाऊंगा, तो उसके लिए भी वेट करो फटाफट से, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार, फटाफट से कर दो यार। और गाइस देखो यहाँ पे ना मेरा एक टीममेट बोला था उसको खेल चाहिए, और ये था अपना टीम का लास्ट बंदा, मतलब एक एनिमी लास्ट बचता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा इसको ट्रोल किया जाए। गाइस बेचारा देखो मेरे को मारने के लिए घूम रहा है, बट मार नहीं पा रहा है, क्या बोल रहा है भाई बेचारे के साथ। तो गाइस चलो कोई बात नहीं, पीछे पीछे भागते हैं थोड़ा और इसको घुमाते हैं, और गाइस और ये बेचारा मर गया, और गाइस मैच खत्म हुआ। और गाइस ये कुछ अच्छे क्लिप्स है जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, तो गाइस आप लोग अभी एंजॉय करो पूरे वीडियो को, जाना मत कहीं भी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जल्दी कर दो यार, फटाफट से कर दो जिसने भी नहीं किया। तो उसके बाद गाइस हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग पूरा वीडियो देख के जाना है।